आप कौन बोल रहे हैं? आप किंजल दीदी के घर से बोल रही हैं? जी मैं किंजल दीदी की फई सास बोल रही हूँ। तमे कौन? क्या मैं किंजल दीदी से बात कर सकता हूँ? वो अभी विश्राम कर रही है। पर तमे कौन बोलो छो? मैं मतलब रामचरण दोषी का पीए बोल रहा हूँ। मैं कोई रामचरण दोषी को नहीं जानती। अरे नेताजी रामचरण दोषी। अच्छा वो रामचरण दोषी। अच्छा हाँ तो बोलो। देखिए हम लोग कल सवेरे आपके घर पर आ रहे हैं। जी? कल का दिवस नेताजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेताजी किंजल दीदी और उस चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा सरस सरस नक्की नक्की। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नेताजी अरे किंजल नेताजी माते अधिक पानी नो इंतजाम करवो पड़शे। क्या फई कौन नेताजी क्या आप क्या कह रही हैं? फई आखिर बात क्या है? अरे काले नेताजी अरे वही रामचरण दोषी चमत्कारी पानी का दर्शन लेने आ रहे हैं। क्या मतलब नेताजी आ रहे हैं? किंजल दीदी का आशीर्वाद लेने? वाओ आई एम सो एक्साइटेड आई कांट बिलीव इट। भाई भाई ये क्या कर रही है? हो सकता है चमत्कारी पानी ज्यादा आ जाए। पर आपने तो कहा था कि ये चमत्कारी पानी है। अरे पर ये भी तो हो सकता है कि भगवान के भेजे पानी को अच्छे से बाहर आने के लिए रास्ता ही ना मिल रहा हो। देखना कैसे धीरे धीरे पानी टपक रहा है। मैं तो सोचती थी कि दीवार में एक मोटा सा छेद बन जाए तो पानी अच्छे से बाहर आ सकता है और ज्यादा बाहर आ सकता है। फाई, 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 फाई। देखिए वो देखा ओ गॉड ये जरूर धवल जी होंगे। अरे नाना वो तो अपने किसी काम से रात भर के लिए बाहर है। मैं देखती हूँ। क्या है उर्मिला बहन मैं आज बाहर गांव से लौटा हूँ थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ पर तुम्हारी ये खटर बटर शू करो छो तुम्हें। तुम्हारा थी मतलब? मेरे पानी का फिल्टर बंद है। हा? देखना तो पड़ेगा ना। अरे हाँ अरे ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? अरे उभारो। अरे और इसी तरह खटपट चलती थी तो पूरी दीवार ही। अरे दर्शन अभी नहीं मिलेगा। अरे दर्शन किसको चाहिए? जो जो पानी जो चमत्कारी पानी। चमत्कारी पानी उर्मिला बहन ये पानी मेरे फिल्टर से आ रहा है क्योंकि आपके दीवार के पीछे की दीवार में मेरा फिल्टर लगा है। और आप लोग चमत्कारी चमत्कारी पानी बोल बोल के आखी चाल को बेवकूफ बना रहे हो। नाना हमको इस बारे में कई खबर न थी। मैं अभी जाके आखी चाल को बोलता हूँ। नाना वाह छे ने भाई जरा समझवानी कोशिश करो। पटेल भाई वो रामचरण दोषी नेताजी कल आने वाले हैं दर्शन के लिए तो जरा बात समझवानी कोशिश करो। मोटो मानस छे तो चढ़ावा भी मोटा होगा जो भी आएगा उसमें से 10% तुम्हारा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो 10% में मान जाऊं। अच्छा बाबा 20%। मैं अभी जाके सबके बोल। अरे नहीं करो अब चलो अब 25% फाइनल। 40% से कम परवड़ेगा नहीं। 40%? चलो ठीक है 40%। अरे पर
किसी को पता ना नहीं, अब अपनी बीवी तक को नहीं। हाँ ठीक है। अरे आ तुम्हारी छे, और ये फिल्टर का पानी मेरा है। जय श्री कृष्ण। चमत्कारी पानी। ए किंजल दीदी चुप। राशि आओ ना। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। कुछ काम था? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की सीडी है और ये आई मास्क। हाउ स्वीट। ये म्यूजिक इतना अच्छा है कि दिमागी तनाव पर जादू सा असर करता है, स्ट्रेस तो एकदम दूर। लेकिन मुझे तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, इनफैक्ट मैं तो काफी अच्छा फील कर रही हूँ। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब निलेश वापस आए और कब हम हनीमून के लिए चले जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये म्यूजिक ये तुम्हें फ्रेश बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा, और ये आई मास्क इसे लगाने से तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। हाँ तुम्हारी आंखों को भी ठंडक पहुंचेगी और तुम बहुत अच्छे से सो पाओगी। तुम सो जाओ, मैं ये सीडी लगा देती हूँ। राशि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अरे अब तुम्हारे लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ अब कुछ नहीं, तुम आंखें बंद करो, मैं आई मास्क लगा देती हूँ। हे कान्हा जी, अनिता की शादी मेरी गलती के वजह से टूटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे और कोई भी तकलीफ हो, इसीलिए खास कर उसके लिए पूरे 1,000 रुपए खर्च करके मैं ये सीडी और आई मास्क लाई हूँ। अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं लाइट बंद कर दूँ? हाँ राशि, थैंक्स एंड गुड नाइट। गुड नाइट। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे बहुत डर लग रहा है जी। मेरी तरफ देखो, झूठ बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर सच्चाई मॉम को बहुत जल्द हम बता देंगे। ऐसा होगा ना, माँ जी को हम सब कुछ सच सच बता देंगे ना। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है या तुम मुझ पे यकीन नहीं करते? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं
मैं तो बस अब मैं रुमाल लेके आती हूँ। हेलो निलेश, सो गए थे? नहीं, वो बस मुझे पता था सो भी कैसे सकती हूँ, मुझे गुड नाइट बोलना जो बाकी। मैं वो वैसे तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? गुड नाइट निलेश, तुम भी ना एकदम बुद्धू। कभी कभी मुझे लगता है कि शादी से पहले ज्यादा रोमांटिक थे, शादी के बाद थोड़े बुद्धू हो गए। अरे पापा, मेरी गुड नाइट किसका है? जल्दी से दो मुझे, फिर मैं आराम से सो जाऊंगी।